आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि सब्जियों को हफ्ते भर कैसे स्टोर करते हैं। और हफ्ते भर अगर आप सब्जियाँ स्टोर कर लेंगे तो आपको किसी तरह की टेंशन या कोई परेशानी नहीं रहेगी कि हमको सब्ज़ी वॉश भी करनी है और धोना भी है, रखना है। तो फिर चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सब्जी को हफ्ते भर सब्जी को कैसे स्टोर करते हैं। नमस्कार, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हफ्ते भर सब्ज़ी स्टोर कैसे करते हैं। तो मैंने सब सब्जियाँ धुल के रख ली हैं, अच्छे से वॉश की हैं और इसे फैन में रख दिया था, सूख गया है। अब इसे मैं स्टोरिंग के लिए दिखाती हूँ कि स्टोर कैसे करेंगे और हफ्ते भर हमारी सब्ज़ी एकदम भरी ताज़ी दिखेगी। ये मैंने कंटेनर लिया है, ये धनिया की पत्ती है, ग्रीन कोरिंडर, इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है और ये इसको फैन में रख के इसके पानी सारे निकल चुका है, पानी ना रहे, एकदम सूखा रहे, नहीं तो ये हफ्ते भर नहीं चल पाएगा। और इसको जो है इस तरह से साफ़ और अच्छी पत्ती, इसमें कोई भी सड़ी पत्ती ना हो, नहीं तो सारी धनिया सड़ जाएगी। ये देखिए इसी तरह से जो भी ख़राब पत्तियाँ हों उसको हम बाहर कर दें और इसे तोड़ तोड़ के रख देंगे। ये पूरा हमारा एक हफ्ते तक, कल आप संडे को रखेंगे तो संडे तक एकदम हरी बनी रहेगी। आप लगेगा जैसे अभी फ्रेश मार्केट से खरीद के ला रहे हैं ऐसी सब्जी। कंटेनर में हम कोई भी सामान रखते हैं तो हमारा, चाहे वो आटा गूंथ के रखना हो या कोई भी सामान, देखिए जैसे ये पत्ती हमारी सड़ी हुई है, ख़राब हो गई है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, इसके साथ इस पर नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारी सारी पत्तियाँ ख़राब कर देंगे। और फिर जो है इसको इस तरह से रख देंगे। ये देखिए इस तरह की पत्ती, ध्यान दें कि इसमें ना आए, नहीं तो आपकी पत्तियाँ ख़राब हो सकती हैं और आपकी धनिया की पत्ती एकदम सूखी और साफ़ होनी चाहिए। ये देखिए मेरी धनिया की पत्ती स्टोर हो गई है, इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखेंगे तो आप ये हफ्ते भर आराम से अच्छे से चलेंगे। ये मैंने धनिया की पत्ती रख ली है, अब मैं इस लेमन को जो है इस कंटेनर में करके रख देती हूँ। ये भी हमारा पूरे हफ्ते भर, हफ्ते क्या है 15 दिन तक फ्रेश बना रहेगा। इस तरह से हम सारे कंटेनर में कर करके रख देंगे। ये देखिए हरी मिर्च भी मैंने वॉश करके और इसको सुखा लिया है, अच्छे से सूख गई है। एक मैंने एक कंटेनर लिया है, इसमें जो है इसके जो इधर के डंठल होते हैं उसको तोड़ करके जब हम रखेंगे तो हमारी हरी मिर्च जो है एकदम साफ और काफ़ी दिन तक ग्रीन रह सकती है, इसलिए इसके ऊपर का पार्ट ये इसको निकाल देते हैं फिर हम स्टोर करते हैं। ये देखिए मैंने सारे नीचे के डंठल तोड़ लिए हैं और इसका भी ये एयर टाइट कर कंटेनर को बंद कर देंगे और इसे भी ऐसे रख देंगे। मैंने एक लिया है, नेट लिया है, चिप वाला नेट है, इसमें जो है तुरई है, इसको इस पर रख देते हैं। आप हफ्ते भर की सब्जी आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख दें, हफ्ते भर आपको टेंशन नहीं रहेगी। देखिए मैंने इसमें स्टोर कर दिया है, इसके जिप को बंद कर देते हैं और इस तरह से इसको रख देते हैं। ये देखिए ये मैंने भिंडी वॉश करके तुरंत ही इसको नेट में डाल दिया था ताकि नेट से सारे पानी बाहर आ जाए,
और हमारी भिंडी सूख जाएगी। इसमें जब सूख जाएगी तब हम फ्रिज में रखेंगे। और इस समय मेरी भिंडी एकदम सूखी हुई है क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले इसको वॉश करके रखा था। ये मेरे टमाटर है और ये कच्ची कैरी है, इसको रखते हैं दाल में बनाते समय। तुअर दाल बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं, बहुत टेस्टी दाल बनती है इसको डालने से। तो इसको स्टोर करने के लिए मैंने एक कंटेनर लिया है, इसमें जो है उसको पोस्ट ये सूखा कपड़ा लेके कॉटन से इसको साफ कर ले अगर सूखे ना। जैसे मेरा एक कैरी सूखा हुआ है तो मैं इसको इसमें रख देती हूँ। ये भी मेरा पूरा हफ्ते भर जो है पूरा आराम से टाइट रहेगा। आप वैसे फ्रिज में रखेंगे तो आम थोड़ा सा दबने लगता है, और इस तरह से आपका आम एकदम फ्रेश, और जब भी आप निकालेंगे इस कैरी को तो आपको फ्रेश नज़र आएगा। इसे भी बंद करके रखिए। ये मैंने टमाटो वॉश करके रखा है, इसका पानी ठीक से निकला नहीं है, इसलिए हम कॉटन की टॉवल लिए हैं। इससे जो है इसको अच्छे से साफ करके और पोछ सुखा के पोछ के इसमें रखते हैं बर्तन में, क्योंकि अगर हमारा पानी लगा कोई भी सब्जी रखेंगे तो वो ख़राब हो सकती है, इसलिए सूखी और साफ सब्जी रखें। एयर टाइट कंटेनर में तो आपके घर सब्जी पूरे हफ्ते तक आराम से फ्रेश नज़र आएगी, लगेगा आप अभी मार्केट से लेके आ रहे हैं। मैंने जो है सारे स्टोर कर दिए हैं टमाटर को, ये भी इसे बंद कर देते हैं। ये देखिए लौकी भी मैंने बीच से इसे कट कर लिया है, और इसको भी कंटेनर में करके रखते हैं, ये अच्छे से फ्रेश बनी रहेगी। तो इस कंटेनर को भी बंद कर देते हैं। ये मैंने लुबिया ली है, लुबिया को भी अच्छे से इसे बोड़ा भी बोलते हैं, ये ग्रीन बोड़ा है। बोरा भी कई तरह के होते हैं, एक ग्रीन है, एक थोड़ा सा मरून में आता है, और एक छोटा पतला पतला आता है, ये जो लंबा होता है, और ये ग्रीन कलर का है। इस तरह के बोरे मैंने लिए हैं, ये भी अच्छे से वॉश करके सूख गए हैं। मैं इसको इस कंटेनर में करके रख देंगे। इस तरह के कंटेनर या टाइट कंटेनर लेंगे आप तो आपकी सब्जी जो है हफ्ते भर बढ़िया अच्छे से स्टोर रहेगी, और आपको रोज रोज सोचना नहीं पड़ेगा कि भी सब्जी वॉश करनी है फिर उसे कट करना। आप चाहे तो इसमें कट करके भी रख सकते हैं, जैसे सुबह बनाना है या 2 दिन की सब्जी कट करके रख सकते हैं इसमें। इस तरह से जो है ये जो खराब वो उसको ऐसे तोड़ देते हैं, बाहर कर देते हैं इसको। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ये देखिए, ये भी मैंने स्टोर कर लिया है, ये भी ज़्यादा है इसलिए इसमें पूरा नहीं आ पा रहा है, तो इसमें जितना आया है मैंने इसको इसमें रख दिया है। दूसरा कंटेनर लेंगे, मैंने एक दूसरा कंटेनर लिया है, इसमें रख देते हैं। इस तरह से फोल्ड करके देखिए मैंने जो बचा हुआ लुबिया थी वो मैंने इसमें रख दिया है।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से स्टोर कर दिया है, सारे मैंने कंटेनर रख दिए हैं। बस इसके ढक्कन को लगाना है, लीड लगाने के बाद इसको एयर टाइट करने के फ्रिज में रख देंगे इसको स्टोर के लिए। और आप हफ्ते भर आप खुद इसको करके देखिएगा, और आपको पसंद आए मेरा तरीका मेरे तरीके से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगली नोटिफिकेशन मेरी तभी आपके पास पहुंच पाएगी जब आप बेल आइकन दबाएंगे। लो अब इसको जो है हम लेड लगा के सारे एयर टाइट कंटेनर बंद कर देते हैं इस तरह से। ये मेरा कोरिएंडर हो गया, दो में मैंने लुबे रखी है, इसमें मैंने लेमन रखा है, एक ग्रीन चिली है, ये करी है, ये घिया है लौकी,